हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास टेंथ के साइंस में जयप्रकरम चैप्टर, जो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है क्या है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है क्या होगा फ्रेंड्स? अंकुरित बीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ब्रेक किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव ब्रेक किस प्रणाली का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्सर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जो सांस लेते हैं फ्रेंड्स, उसके दौरान कौन सी गैस निकलती है क्या होगा फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? जो फलों को पकाने के लिए फ्रेंड्स किस गैस को नियंत्रित में किया जाता है? किस गैस को किया जाता है फ्रेंड्स? इथिलीन को, यानी ऑप्शन नंबर सी। इथिलीन का होता है फ्रेंड C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है क्या होगा फ्रेंड्स? निमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परिजीवी पौधा जो होता है फ्रेंड्स, उसका उदाहरण क्या है क्या होगा फ्रेंड्स? यानी ऑप्शन नंबर बी, कस्कुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हृदय होता है फ्रेंड्स, मानव का जो हृदय होता है, उसके खून को संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यानी फेफड़ा द्वारा भी, निलय द्वारा भी और आलिंद द्वारा भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है क्या होगा फ्रेंड्स? गैस्ट्रीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएँ पाई जाती है क्या होगा फ्रेंड्स? फ्लोयम में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि कितना होती है फ्रेंड्स? 120 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से सभी, यानी क्लोरोफिल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होगा और सूर्य का प्रकाश भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव जो हृदय होते हैं उसमें कितने कोष्ठ होते हैं फ्रेंड्स? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है, यानी खून क्या है फ्रेंड्स? क्या होगा उसमें? ऊतक, यानी टिश्यू क्या होगा फ्रेंड्स? इसे इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है क्या होगा फ्रेंड्स? स्टार्च, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है क्या होगा फ्रेंड्स? पेरिकार्डियम से, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में जो उजला रक्त होता है, जो कोशिकाएँ की जीवन अवधि कितनी होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से स्रावित होती है? पीतरस कहाँ से स्रावित होती है क्या होगा फ्रेंड्स? यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है क्या होगा फ्रेंड्स? अपेंडिक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, जो कौन कार्य करता है फ्रेंड्स? यानी प्रोटीन का पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन का काम करता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन का काम करता है क्या होगा फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट, यानी मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक होता है
वह कौन है फ्रेंड्स, यानी आरबीसी। क्या होगा? आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। क्या होगा फ्रेंड्स? रक्त विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद जो होता है किसमें पाया जाता है, अमीबा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थाली होता है, मानव में डायलिसिस थाली किसमें होती है फ्रेंड्स, यानी नेफ्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पाचन है फ्रेंड्स किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, इनामेल। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।